सरयू वो गोमती नदी के संगम पर और भीलेश्वर वो नीलेश्वर पहाड़ियों के बीच, महादेव का अत्यंत प्रिय धाम बागेश्वर विराजमान है। बागेश्वर अपने प्राकृतिक सौंदर्यों, हिमालय के खूबसूरत नज़ारों, ग्लेशियरों, नदियों और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति के दिन यहाँ उत्तराखंड के सबसे बड़े और प्रसिद्ध मेले का आयोजन होता है। मान्यता है कि इस नगर को शिव के गण चंडीश ने शिवजी की इच्छानुसार बसाया था। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती यहाँ बाघ और गाय का रूप धारण करके निवास करते थे, इसलिए इस स्थल का नाम बागेश्वर पड़ा। आइए दोस्तों, घूमते हैं बागेश्वर और जानते हैं इसको और भी करीब से। बागेश्वर की समुद्र तल से ऊंचाई 3294 मीटर है। बागेश्वर शहर में प्रवेश करते ही बागेश्वर बस स्टैंड दिखता है। यहाँ पर मिठाइयों की दुकानों से भीनी भीनी खुशबू आ रही है। और मिठाइयों की दुकानों के अलावा यहाँ अलग अलग टाइप की दुकानें और रेस्टोरेंट भी नजर आ रहे हैं। यहाँ रोड के दोनों ओर कई होटल्स भी स्थित हैं, जिनकी रेंज 1000 रुपये से शुरू हो जाती है। इसी रोड पर ये सामने दाईं ओर नजर आ रहा है महादेव का प्रसिद्ध मंदिर बागनाथ धाम। बागनाथ मंदिर शिवजी को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। पोस्ट ऑफिस के बगल से दुकानों के गलियारे से होते हुए ये हम बागनाथ धाम के दर्शनों के लिए पहुंच गए हैं। मंदिर परिसर में श्री काल भैरव मंदिर, शनि देव मंदिर इत्यादि कई मंदिर भी स्थित हैं। दोस्तों, बागनाथ धाम की महिमा, चमत्कार और रहस्यों से भरे इतिहास के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। बागनाथ मंदिर परिसर के आगे स्थित है ये पवित्र सरयू गोमती संगम स्थान। यहाँ इस संगम किनारे कुछ देर बैठकर अद्भुत शांति और ऊर्जा का एहसास होता है। यहीं पर महादेव की ये दिव्य प्रतिमा के दर्शन और उनका आशीर्वाद भी भक्तों को प्राप्त होता है।
यहीं इस संगम पर स्वतंत्रता संग्राम के समय 1921 में कुली बेगार प्रथा का विरोध किया गया था, जिससे प्रभावित होकर 1921 में महात्मा गांधी स्वयं बागेश्वर पहुंचे थे। बागेश्वर आने का मौसम साल भर अनुकूल रहता है। दोस्तों, बागेश्वर के आसपास घूमने की कई प्रसिद्ध जगह हैं, जिनमें बैजनाथ मंदिर, बागेश्वर से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महादेव का मंदिर समूह है। कौसानी बागेश्वर से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर है। गांधी जी को ये जगह इतनी पसंद आई थी कि इसकी तुलना स्विट्जरलैंड से की थी। इसके अलावा कोट भामरी मंदिर, पिंडारी ग्लेशियर अन्य प्रसिद्ध और प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट हैं। इधर सामने ये प्रसिद्ध गोमती पुल नजर आ रहा है। बागेश्वर की दिल्ली से दूरी लगभग 470 किलोमीटर, हल्द्वानी से 160 किलोमीटर और अल्मोड़ा से 74 किलोमीटर है। यहाँ आने के लिए गाड़ियाँ और टैक्सियाँ मिल जाती हैं। दोस्तों, महादेव की नगरी बागेश्वर की शांत घाटियों और हिमालय के नज़ारे और कण कण में यहाँ बिखरा प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को स्वतः ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। दोस्तों, आप भी टाइम निकाल कर यहाँ आएं और इन अद्भुत नज़ारों का और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें। जल्दी ही फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।